वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल माता सावित्री किचन। भयंकर गर्मी के मौसम में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी शरबत, इस बेल की शरबत। ये देखिए, तो मैंने एक बेल ले लिया हुआ है, बेल पका हुआ है, ये है, इसको हम फोड़ लेते हैं। बेल का शरबत बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और भयंकर गर्मी में बहुत ही ज़्यादा ठंडक देता है, पेट ठंडा रखता है। ये देखिए, बेल को मैंने तोड़ लिया है, ये पका हुआ है। अब इसके बीज का गुदा हम निकाल लेंगे चम्मच की मदद से। तो ये देखिए, मैं इसे निकाल ले रही हूँ। गांव में हमारे भयंकर गर्मी के मौसम में ज़रूर बनता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। चिल्ड इसे जितना पियेंगे उतना ही बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टफुल है। आप इसे अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो देखिए, मैंने चम्मच की मदद से बीज का गुदा निकाल लिया है। बहुत फटाफट पिकली बन के तैयार होने वाला है। अब इसे दोपहर में पिए, सुबह या रात को न पिए, नहीं तो ठंड लग जाएगा। अब एक गिलास में पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा हाथों से मसल दे रही हूँ। देखिए, और इसे कवर करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड रख दूंगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ताकि हम इसका अच्छे से शरबत बना सकें। ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हाथों की मदद से मैं इसे मसल लूंगी। ये देखिए, अपने हाथ अच्छे से धुल लीजिएगा पहले। आप चाहे तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। मैं हाथों से ऐसे कर रही हूँ, देसी स्टाइल है, आपको पता ही है। तो देखिए, अच्छे से सारा गुदा जो है अंदर का वो मिक्स हो चुका है। अब छालनी की मदद से हम इसे छान लेते हैं, क्योंकि इसमें बीज वगैरह भी होते हैं तो कोई गुठलियाँ या बीज न रहे जब हम शरबत पिए। तो इस वजह से छन्नी से मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। तो ये देखिए, चम्मच की मदद से मैं छान लेती हूँ। बिल्कुल बढ़िया सा जो हमारा है मिक्सचर मिल जाएगा बेल का। और इस समय बेल भी मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे तो आप इसे अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, साइड से जो गुदा निकला हुआ है उसे निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ है खुजा टाइप का और ये बीज, उसको हम हटा देंगे और इसे दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आपने अगर बड़ा सा बर्तन लिया तो सेम बर्तन ही यूज़ कीजिए। मेरा बर्तन छोटा पड़ गया इसलिए मैंने दूसरे बर्तन में से ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करेंगे। बेल खुद भी मीठा होता है तो ज़्यादा चीनी इसमें ऐड मत कीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। एक ग्लास मैंने फिर से चिल्ड वाटर यूज़ किया है और कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी पिघलने तक। बढ़िया से इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बड़ा ही क्विकली हमारा ये बेल का शरबत बन के तैयार हो गया है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स ऐड किए हैं और बेल का शरबत ऐड किया है। तो ये देखिए, हमारा चिल्ड बिल्कुल टेस्टी यमी गर्मियों के लिए बेल का शरबत बनके तैयार है। आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स हम अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय श्री राधे राधे।